नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री एरा में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा करने से जो भी भविष्य हमारे वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी तरफ से हिस्ट्री के न्यू सिलेबस जो चेंजेस किया गया, देखते हैं क्या किस प्रकार ये सिलेबस चेंजेस किया गया इसको। देखिए दोस्तों, पहले यूजीसी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दी थी, लेकिन अब एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। देखिए इसमें ज़्यादा चेंज कुछ किया गया नहीं है, घुमा फिरा कर वही चीज़ें इंक्लूड कर दी गई यूजीसी की तरफ से। घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, वही टर्म्स है, वही सिलेबस है, सेम वही चीज़ है। देख लेते हैं फिर भी क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। दोस्तों देखिए, इसमें से कोड नंबर 06 इतिहास के लिए हमेशा यूज किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या चेंज किए गए। देखिए पाठ्यक्रम 10 इकाई में विभाजित किया गया। प्रश्न पत्र में 100, 150, 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक ही सही विकल्प को उत्तर देना होगा। प्रत्येक इकाई में कम से कम 10, 15, 20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक इकाई प्रश्न के लिए 1 या 2 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए इस सिलेबस को जो इतिहास का जो न्यू सिलेबस है, इसको 10 इकाइयों के अंदर बांटा गया है। और प्रत्येक इकाई में से अगर 100 नंबर का हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक इकाई से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर 150 का क्वेश्चन आता है तो उसमें से 15 नंबर आने की संभावना है प्रत्येक इकाई से। अगर 200 का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो प्रत्येक इकाई से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों सभी प्रश्न का 1 या 2 अंक निर्धारित किए गए हैं उनमें से। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों वही है संकल्पना, विचार, अवधि और शब्दावली। देखिए ये कुछ टर्म्स होते हैं दोस्तों, ये आपको पढ़नी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों, इनको आप पढ़ना होगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस देखिए। देखिए जो प्रथम जो इकाई, इसमें प्राचीन भारत से संबंधित, इसमें इतिहास स्रोत के बारे में पढ़ना है, पशुचरण बारे, नवपाषाण काल पर, पाषाण काल पर, हिंदू घाटी की सभ्यता, सेम वही सिलेबस है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल है, और देखिए उत्तर वैदिक काल युग है, ये आपको पढ़ना है। शासन व्यवस्था है, ये आपको पढ़ना है, बिल्कुल बहुत ही आसानी चीज़ें हैं दोस्तों, ये पढ़नी है। देखिए सेकंड इकाई हम बात कर लेते हैं, राज्य से साम्राज्य तक, ये आपको ये पढ़ना है। देखिए साम्राज्य का अंत, ये आपको पढ़ना होगा। गुप्त का युग, ये आपको पढ़ना होगा, ये भी अच्छा है। इसके अलावा थर्ड टॉपिक हम बात कर लेते हैं, थर्ड टॉपिक के अंदर राज्यों का जो राज्य थे उनका उदय कैसे किस प्रकार हुआ था। दक्षिण भारत का इतिहास, देखिए अगर आपको दक्षिण भारत का इतिहास हिंदी में पढ़ना है तो नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक आती है दक्षिण भारत के इतिहास के नाम से, बिहार अकेडमी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उन्हें जरूर परचेज करिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूर्व भारत में साम्राज्य। देखिए पूर्व भारत साम्राज्य हमें बंगाल, पाल, रोम, ये भी जो भी वंश हुआ करते थे, इनके बारे में आपको पढ़ना, गुर्जर, प्रतिहार, कलचूरी, चेदी, ये भी वंश सजा, हम इनके बारे में पढ़ना, जरूर पढ़ना होगा दोस्तों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं व्यापार, शहरीकरण, ब्राह्मणी, क्षेत्रीय विकास, समाज विकास, शिक्षा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत निर्माण, ये चौथी इकाई की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पढ़ना विदेशियों का विवरण पढ़ना, दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मुगल काल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये पढ़ना, सेम वही चीज़ें हैं। घुमा फिरा कर देखिए विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, दिल्ली सल्तनत, ये आपको ये पढ़ना है, गोलकुंडा, बीदर, बरार, वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा। देख फोर्थ इकाई की हम बात कर लें, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सल्तनत का समय, आपको ये पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत मुगलों के शासनकाल में, ये पढ़ना आपको। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ इकाई की बात कर लेते हैं, इसमें समाज और संस्कृति डाल दिया गया, इसमें सूफीवाद डाल दिया गया, देखिए भक्ति आंदोलन डाल दिया गया, सूफी आंदोलन डाल दिया गया है, सिख आंदोलन डाल दिया गया है, देखो इसमें आप ये जरूर पढ़ना होगा। देखिए आसानी हो गई है, अगर हमने ये सिलेबस डिवाइड कर दिया बहुत आसानी हो गई है। स्त्रियों की स्त्री हम पढ़े, शिक्षा का विकास हमें ये पढ़ना, देखिए 7th इकाई की हम बात कर लेते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वही 16 से 18 शताब्दी दोनों भारतीय पुर्तगाली, ये आप लोग सब पढ़ना है, प्रमुख बंदरगाह, 1857 का विद्रोह, ये आपको पढ़ना होगा, स्थानीय सरकार। देखिए अर्थ की हम बात कर ले, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार, कृषि का विस्तार, वाणिज्यकरण, आपको ये पढ़ना, उद्योगों हार से, ब्रिटिश नीति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रीकरण, नूतन काल, अकाल, हमारी सरकार नीति, देखिए संक्रमण काल, नई शिक्षा नीति, भारतीय पुनर्जागरण, स्त्रियों संबंधी प्रश्न, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए इकाई 9 की हम बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको पढ़ना होगा, ये आधुनिक भारत से संबंधित है, गांधीवाद आंदोलन, वामपंथी राजनीति, दलित आंदोलन, ऐसा हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब युद्ध के आंदोलन हुए थे उस समय। 10th इकाई की हम बात कर लेते हैं, इसमें रिसर्च से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही ये थोड़ा टफ लगता है थोड़ा देखने, लेकिन टफ है नहीं है। ऐतिहासिक प्रणाली, शोधकारी प्रणाली, या उसको पढ़ना, सीमा महत्व, इतिहास में वनशिष्ट पूर्वग्रह, ये आपको पढ़ना है, ये तो रिसर्च से संबंधित आपको ये पढ़ना, इतिहास में परिकल्पना, ये सब चीज़ देखिए आप देख लीजिएगा। मैं आपको इनका दोनों का इंग्लिश और हिंदी दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने इंग्लिश की कुछ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों बारे में एक वीडियो बनाई हुआ, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। देख तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है दोस्तों, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके पढ़ने के लिए। मैं आपको कुछ पुस्तकें बता देता हूँ, फिर भी पढ़ने दे। प्राचीन भारत के इतिहास, अगर आपको हिंदी में क्वालिफाई करना चाहता है, नेक केसी श्रीवास्तव अच्छी पुस्तक आपको कोई नहीं मिलने वाली, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपका समय कम है तो सौरभ चौबे ले आई, वो पढ़ लेगा। देखिए मध्यकाल हरिश्चंद्र वर्मा से पुस्तक अच्छी पुस्तक नहीं मिलने वाली। अगर आप समय की कमी है तो वहाँ भी सौरभ चौबे लेके आ जाइए। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पर लेगा, काफ़ी इनफ है आपके लिए, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। एक गाइड खरीद सकते हैं आर्य पब्लिकेशन। देखिए पाँच पाँच बुक्स आप खरीद कर नेट क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर दोस्तों आपको मेरा द्वारा दी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच।